नमस्कार मेरे किसान भाइयों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों की दीपावली काफी सुखद और काफी सुखरूप हुई होंगी। दोस्तों पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय बहुत गौर से सुनिए। ये वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि जितने भी किसान भाइयों ने मोटिवेट होकर सीताफल अमरूद या ड्रैगन फ्रूट की खेती किया है या करने वाले या कर चुके हैं, तो दोस्तों वहां पर कौन कौन सी समस्याएं आती है और मेजर समस्या क्या है जिसकी वजह से एक तो हमारा नाम भी खराब हो सकता है या हमने इतनी मेहनत की और पानी में भी जा सकती है। तो वो समस्या है फ्रूट फ्लाई की। ये इसको इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। पहले बता दूं कि फ्रूट फ्लाई क्या है। फ्रूट फ्लाई एक मक्की है जो हमारे घर में जो दिखती है काली कलर की, उसी का एक रूप है जो ब्राउन कलर की लाल लाल उस पर जो चपटे होते हैं वो फ्रूट फ्लाई होता है। दोस्तों वो दिखती छोटी सी है लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो अटैक है बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों तो आज जानेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देके आया हूँ। जिस किसान भाइयों ने सीताफल का बगीचा लगाया है या ड्रैगन फ्रूट का बगीचा लगाया है या फिर अमरूद का बगीचा लगाया है, तीनों क्रॉप के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ज्यादा आप लोगों को बोलता नहीं लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो किसान भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और सामने में जो एक बटन दिख रहा है घंटी का उसको प्रेस कीजिए ताकि भाई अभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाना चालू किया हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चालू किया हूँ जिससे हमारे किसान भाई को जो टेक्निकली जो गाइडेंस होता है, जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं और उसका बहुत बड़ा उसका जो परिणाम है हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों तो ज्यादा समय ना लेते मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। फ्रूट फ्लाई की पहले चक्र समझते हैं। अभी फ्रूट फ्लाई आप समझे कि होता है क्या, अब उसका चक्र समझते हैं। ये जो मक्की है, ये जो कीड़ा है, इसकी अवस्था जानते सबसे पहले। जब ये कीड़ा एडल्ट होता है तो ये मिलन पे आते हैं, मींस मिलन है नर और मादी एक होती है। अब जब नर और मादा एक होगा तो उसके पास के 10 दिन के बाद ये अंडे डालता है। अब उसको अंडे डालने के लिए जगह चाहिए तो आप बाकी में जो वीडियो में देख रहे हो, देखो ये क्या करता है फ्रूट फ्लाई, फल के अंदर अपने अंडे डालता है। वो अंडे के प्रमाण 10 से लेकर 100 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। वो यदि आप यहां पर उसने अंडे डाला तो कुछ दिन के बाद बोले तो 3 और 10 दिन के अंदर ही इसकी लार्वा बनना चालू हो जाता है। लार्वा बोलते हम जो इलिया देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि सुपर गोल्डन की जो वेराइटी है सीताफल में, अभी मार्केट में जैसे ही लोग खाने जाते हैं किस तो वहां पर इल्ले आने से हमारा मार्केट डाउन हो रहा है। अब लोगों को पता नहीं इसके बारे में, जिनको पता नहीं है यदि ये वीडियो देखने के बाद में आप सावधानी कर सकते हैं क्योंकि अभी सीताफल आने का टाइम हो चुका है और आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उसकी भी 3 स्टेज होती है इल्लियों की। पहले तो छोटी इल्ली होंगी फिर वो बड़ी ले लेगी रूप, फिर उससे बड़ा लार्वा होता है। ये होने के बाद यही पूरे फल को खा डालता है, समझ गए ना। वो अंडे फूट गए, उसकी इलिया हुई, वो छोटी इली बड़ी सब तीसरे स्टेज की बड़ी इली, वो पूरे फल को खा डालता है, पूरा काला बना जाता है। आपने देखे होंगे अमरूद का पौधा ऊपर, अमरूद का जो फल है बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। इवन सीताफल का भी जो फल है वो अंदर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से ओपन करके देखते तो काला काला और पूरा फल खराब हो जाता है। यानी एक बार वो अंडे गए तो हमारा फल खराब हो गया, ये तय है मेरे किसान भाइयों। उसके बाद में 10 से 25 दिन के बाद अभी क्या हुआ, फल नीचे गिर गया ना खराब हुआ तो फल के साथ में भी इल्ली नीचे गिर गई, जमीन में गिर गई।
जमीन में गिर गई तो क्या हुआ, वो कोसा में उसने रूपांतर किया, जिसको हम इंग्लिश में पूपा बोलते हैं, है ना। वो कोशा, कोशा जो होता है ना, कोशा में अंदर चली गई 10 से 25 दिन के अंदर। इसके बाद में वो 8 से 40 दिन के बाद में फिर वो एडल्ट हो जाती है, फिर उड़ना शुरू कर देता है। ये इसका चक्र है दोस्तों। ये इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें हम दो वे पे जाते हैं। पहली बात तो अपने बगीचों की साफ सफाई अच्छे से कीजिए, कचरा मत आने दीजिए। और जैसे ही फल आने का समय होता है, जैसे मान लो अभी सुपर गोल्डन यदि आपने सीताफल लगाया हो तो अक्टूबर नवंबर के पास आना चालू हो जाता है, तो उसके 15 दिन पहले या एक महीना पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट रहेगा 15 दिन पहले आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए, जिसको काम कंदर सापड़ा बोलते हैं मराठी में। ट्रैप होता है, ट्रैप बोले तो उसके अंदर लूर होता है, और वो ये नर को, जो नर जो होता है, नर मींस मेल जो बोले हम लोग, उसको वो अट्रैक्ट करता है उस काम कंद, उस फेरोमोन ट्रैप के अंदर। तो मैं सलाह दूंगा दोस्तों कि कम से कम 5-6 पूरे बगीचे में अपनो फेरोमोन ट्रैप लगा लीजिए। पीले कलर का होता है, उसके अंदर लियोल होता है, वो नर उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें जमा हो जाता है। जब जमा हो जाएगा तो मादा से वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, मिलन नहीं कर पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा। जब मीटिंग नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो अंडे नहीं दे पाएंगे, तो एक सुरक्षा ये हो गई। लेकिन बात याद रखना, ये जो फेरोमोन ट्रैप है वो आपका इंडिकेटर का काम करेगा। इंडिकेटर बोले तो पूरे के पूरे नर पर अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको इंडिकेट करेगा यार कि हमारे खेत में अभी क्या आना चालू हो गई, फ्रूट फ्लाई आना चालू हो गया। तो क्या करने का, एक तो ऑर्गेनिक वाले को भी सलाह देता हूँ और केमिकल वालों को भी सलाह देता हूँ, केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 15 दिन पहले, यानी फल तोड़ने के 15 दिन पहले आपको, यदि आप जैविक में जाना चाहते हैं तो दशपर्णी अर्क जो हम बनाते हैं, 10 पत्तों का अर्क बनाते हैं, उसका आटा दिन में स्प्रे करना चालू कर दीजिए। केमिकल में जाना चाहता है मेरा भाई तो मैं दो, बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन है केमिकल में, लेकिन मैं जो हम लोग यूजली यूज करते हैं, जो एक क्लोरोफेनिपास है, कॉमन है, किसी भी दुकान में मिल जाता है। तो क्लोरोफेनिपास 50% वाला 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है और स्प्रे कर देना है, पूरे बगीचे में स्प्रे करना है। और उसके 8 दिन बाद अपने को फेंटोइड आता है, फेंटोइड है ना, वो फेंटोइड भी आप 2 ml आप 1 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, इसको बंद नहीं करना है कब तक, जब कि आपको फल नहीं टूटे तब तक। अल्टरनेट 8-10 दिन हो गए, 10 या 12 दिन के अंदर एक स्प्रे करने का, फिर दूसरे को चेंज करने का, कभी क्लोरोफेनिपास डालने का, कभी फेंटोइड डालने का, ऐसे करते करते चक्र कीजिए। मैं आपसे श्योरिटी देता हूं फेरोमोन ट्रैप, ठीक है, क्लोरोफेनिपास या दशपर्णी अर्क या फेंटोइड यूजली इजीली मिल जाता है, फेंटोइड क्लोरोफेनिपास का आप इसका स्प्रे कीजिए दोस्तों, आपको फ्रूट फ्लाई का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए अमरूद हो, सीताफल हो या ड्रैगन फ्रूट हो, उसमें बैगिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि क्वालिटी अच्छी आती है। बैगिंग होने से क्या होगा, उसमें दाग नहीं आएंगे, कोलेटोट्रिकम करके जो फंगस आता है काला वाला वो भी कम आएगा, ये फ्रूट फ्लाई का भी असर कम होगा, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जब अंडे डालता है फ्लड के अंदर तो वो पॉलिथीन के अंदर अपने वो जो काटा होता है ना वो अंडे डालने के लिए वो नहीं करा पाता, इसीलिए फोम का इंतजाम कि फोम लगाइए या पॉलिथीन लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो फ्रूट है वो अच्छे क्वालिटी का देगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो सीताफल जो मार्केट में आ रहा है उसमें नाम खराब होता है, और क्योंकि हमने इतने मेहनत से बगीचा बनाया है। देखिए दोस्तों, मार्केट में लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, प्रैक्टिकली बात कीजिए। प्रैक्टिकली बात यानी ये फल है, चाहे आप सीताफल उगा रहे हो या अमरूद उगा रहे हो, ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हो, ये फल है, फल को मार्केट मिलता है, हम लोग यदि ढूंढ नहीं पा रहे वो हमारी गलती है,
है ना। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाना है। यदि आपको लगता है कि मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए और मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट है किसान जो बायर होते हैं फ्रूट मर्चेंट के, वो भी मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, उस प्रकार से मैं वीडियोज बनाऊंगा। और एक भी समस्या आती है क्या बोलते हैं, जो फ्रूट है वो क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, उसके ऊपर मैं अभी 2 दिन के बाद वीडियो आपको अपलोड करूंगा और भी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों ये फ्रूट क्रैक के लिए मैंने आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो आप इसका प्रयोग कीजिए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, हम लोग करते हैं और बहुत से किसानों ने इसका फायदा लिया है, तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दिया हूँ। मैं आपका दोस्त संदीप मिश्रा एग्रीकल्चर कंसल्टेंट और सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर आपसे मिलना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।